Welcome to DIY Vanya. सबसे पहले मैं 5 चेन बनाऊंगी। बस तो चेन से स्लिप अटैच कर लूंगी। उसके बाद 3 चेन बनाऊंगी। के बाद मैं बीच वाले सर्कल से ये चेन निकालूंगी और 3 चेन की सिंगल क्रोशिया से बनाऊंगी 9 चेन और ये 10 चेन हो जाएंगे। फिर मैं स्लिप अटैच कर लूंगी। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी। फिर सारी चेन में सिंगल क्रोशिया की 3 चेन बनाऊंगी। मैंने ऐसे ही ये पूरे बना लिए हैं। मैंने यहाँ पे 3 चेन बना लिए हैं और मैं अब हर चेन में सिंगल क्रोशिया से 3 चेन बना लूंगी। मैंने हर जगह सिंगल क्रोशिया से बनाया है, आप डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी और फिर दूसरी चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया से 4 चेन बनाऊंगी और ऐसे ही सारी चेन में मैं सिंगल क्रोशिया से 4 चेन बनाऊंगी और लास्ट में स्लिप अटैच कर लूंगी। मैं यहाँ पे 2 टाइम ऊन और लूंगी और इसको ज्वाइंट कर लूंगी। ये मेरे पास 3 ऊन हो जाएंगे और मैं क्रोशिया डालूंगी। ये तीनों ऊन ले लूंगी और 15 चेन बना लूंगी राधा जी के चोटे के लिए। 15 चेन बना लिए और मैंने ऊन को कट कर दिया है। मैं यहाँ पे 3-3 करके 20 चेन ज्वाइंट करूंगी। आप उससे ज्यादा भी ज्वाइंट कर सकते हो, उससे कम भी। इसके बाद मैं क्रीम कलर से 2 चेन बनाऊंगी। अब मैं इसको चोटी की इस साइड में ज्वाइंट कर दूंगी। अब मैं ये पॉम को कैप के ऊपर ज्वाइंट कर लूंगी। उसके लिए पहले मैं इस तरीके से क्रीम कलर को ले रही हूँ और मैंने क्रोशिया बिल्कुल बॉटम में डाली है पॉम की। मैं कैप के इस तरीके से बिल्कुल बीच में पॉम का ये जो धागा मैंने निकाला है उसको मैं निकालूंगी और इन दोनों को ज्वाइंट करके नॉट बांधूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल DIY Vanya।